हमास की तरफ से सबसे पहले इजराइल पर जबरदस्त हमला किया गया। आज जो एक नई खबर निकलकर इसमें सामने आई है वो ये कहती है कि 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था तब लगभग 2500 आतंकी इसराइल में दाखिल हुए थे। इन सब के बीच में उस दिन से शुरू हुआ युद्ध अब समय के साथ और भी ज्यादा विध्वंसक होता हुआ चला जा रहा है। यानी कि इसराइल ने उसी दिन, आपको याद होगा, इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब युद्ध है, ये युद्ध है और इसमें अब गाजा को कैसे खत्म कर देना है, नामो निशान मिटा देना है, ये पूरी तरीके से तय कर लिया गया है। इन सबके बीच में जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही है वो भी बहुत खौफनाक है। आज इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं, एक सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त चर्चा में है कि क्या इस युद्ध को रोका जा सकता था या फिर क्या इस युद्ध के लिए इसराइल बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकता था क्या, और ये सवाल एक भविष्यवाणी के बाद उठ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब कुछ मलबे में इस वक्त तब्दील हो चुका है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, इमारतें यहां पर धराशायी हो गई हैं और ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक के बाद एक जबरदस्त रॉकेट से हमला किया जा रहा है, कहीं पर बमबारी यहां पर हो रही है। यानी कि इतनी बुरी स्थिति कि अब यहां पर रहना तो क्या, यहां के करीब पहुंचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो युद्ध इस वक्त हो रहा है इसका स्थायी समाधान पहले निकाला जा सकता था या फिर कम से कम इस युद्ध को रोका जा सकता था क्या, या इसराइल जो उस हमले के लिए तैयार नहीं था क्या वो खुद को और ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर सकता था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब एकदम से हमला हुआ तो इसराइल उसके लिए तैयार नहीं था। सोचिए, आयरन डोम सिस्टम वहां पर उस तरीके से जितना माना जा रहा था उतना काम नहीं कर पाया। लेकिन एक भविष्यवाणी जो की गई नॉस्ट्रोडामस की तरफ से, और वो आज या फिर कुछ साल पहले नहीं, वो लगभग 500 साल पहले भविष्यवाणी की गई, और उस भविष्यवाणी में 2023 के लिए इस युद्ध का जिक्र किया गया और यह भी बताया गया कि युद्ध 7 महीने तक लंबा चलेगा जिसमें कई सारे लोग मारे जाएंगे। ऐसा भी होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है न सिर्फ यहां पर बल्कि वहां पर भी, अगर इसराइल हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ भी बहुत नुकसान हो रहा है। अगर वहां से रॉकेट दागे जा रहे हैं तो यहां के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, यानी कि लोगों का खून बहेगा, लोग मरेंगे, ये उनकी तरफ से पहले ही बताया गया था। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है जब उनकी तरफ से की गई कोई ऐसी भविष्यवाणी चर्चा में आ गई हो। उनकी तरफ से बहुत टाइम पहले, जब उनकी मौत हुई उससे पहले, जब उन्होंने कई सारी किताबें लिखी उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि जो दुनिया है उसका अंत कैसे होना है, उनकी तरफ से जो कोरोना की महामारी पूरी दुनिया ने झेली वो कैसे चीन से इसकी शुरुआत हुई थी, बाकायदा इस बात का भी वो जिक्र बहुत पहले ही कर चुके थे। इसका मतलब ये भी है कि अगर इन सबको पहले से समझा या देखा जा सकता था तो ऐसी स्थिति को दुनिया में होने से रोका जा सकता था। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि जो युद्ध इस वक्त जिसका समाधान निकालने की बाकी देश भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत ने, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, भारत ने हमेशा अपना पक्ष रखते हुए ये कहा है कि जो युद्ध है वो किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत का स्टैंड यही था, हालांकि अभी भारत जरूर इसराइल के साथ में है, लेकिन जरूर अगर अपने स्टैंड की बात आएगी तो भारत हमेशा समाधान की बात करेगा और यही इस वक्त पूरी दुनिया भी ढूंढ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जितना जल्दी समाधान होने की उम्मीद है उतना हो पाएगा। अगर वो भविष्यवाणी 7 महीने कहती है तो क्या ये युद्ध अक्टूबर से शुरू हुआ 7 महीने और चलेगा, और कितने लोगों के इसमें अभी खून बहेंगे, कितनी इसमें मौत और होगी, क्योंकि आप देखिए कि जो युद्ध है वो बहुत ज्यादा विध्वंसक, आप डे बाय डे देखेंगे तो बहुत ज्यादा हमले इसमें और बढ़ते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं। इन सबके बीच में आपको यह भी बता दूं कि इनकी और भी भविष्यवाणी जो चर्चा में रही थी वो कोरोना वाली तो थी ही, क्योंकि वैश्विक महामारी जो पूरी दुनिया ने बहुत भयंकर आपदा झेली थी, इसके अलावा हिटलर का उदय, इसका भी उन्होंने बहुत पहले ही जिक्र कर दिया था जो बाद में साबित भी हुआ था। इसके अलावा उनकी तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें पहले ही बताई गई जो खासतौर पर युद्ध को लेकर है, खासतौर पर आने वाले समय में किस तरीके से वायलेंस बढ़ेगा उसको लेकर थी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त हम वहां पर हो रहे युद्ध को देख रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि उनकी भविष्यवाणी क्या इस बार भी, क्योंकि कई मौके ऐसे रहे हैं जो बड़े बड़े मुद्दों पर उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई है, लेकिन इस वक्त चर्चा का विषय यह है कि क्या इस बार भी जो शुरू होती हुई सही साबित हो रही है, क्या युद्ध 7 महीने लंबा चलेगा। हालांकि इसके लिए जरूर वक्त का इंतजार करना होगा।